हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर कॉलमनर का यूज़ किस प्रकार से करते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये जो ऑप्शन है कॉलमनर का, ये टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो कि ऑडिट के टाइम में अकाउंटेंट लोगों के लिए और CA लोगों के लिए, दोनों के लिए ये यूज़फुल रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि अब जो हमारी इनकम टैक्स की सेक्शन 43B जो क्लोज H है, वो कहता है कि अगर आपने अपने सप्लायर्स की पेमेंट अगर अपने 15 या 45 दिन के अंदर नहीं करी तो आपका जो एक्सपेंसेस है वो डिसअलाउ होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर CA लोग इस कॉलमनर के ऑप्शन से इस बात का पता लगाएंगे भी उस जो पर्टिकुलर इन्वॉइस रहेगा आपके सप्लायर्स का, उसके अंदर कितनी तो टैक्सेबल वैल्यू है और कितना उसके अंदर टैक्स है, या उसके अलावा कितना एक्सपेंसेस आपने और ऐड कर रखा है, या कोई आपने इंसेंटिव या डिस्काउंट आपने लेस करके रखा हुआ है। क्योंकि अक्सर हम पर्टिकुलर किसी एक इनवॉइस के अमाउंट से ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता भी उसके अंदर कितना तो टैक्सेबल वैल्यू है, कितना उसके अंदर टैक्स है। तो ये कॉलमनर का जो ऑप्शन है, इसके थ्रू सारे जो डाटा का वेरिफिकेशन है वो इनवॉइस वाइज है जो अलग अलग हो जाता है। ये फंक्शन किस तरीके से काम करेगा, ये सारी बातें आज की इस क्लास में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक भी करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नई नई वीडियो और भी लगातार मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं आज किस क्लास की। तो मेरे पास टेली सॉफ्टवेयर ओपन है, कंपनी मैंने ओपन कर ली है। आपके पास रिलीज चाहे कोई भी हो, सबके अंदर कॉलमनर का ऑप्शन यूज जो है वर्क करेगा। तो अब कॉलमनर का जो यूज है हम अलग अलग जगह अलग अलग ऑप्शन के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम पर्टिकुलर किसी एक लेजर के ऊपर कॉलमनर का यूज किस प्रकार से होता है उसको हम एक बार वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पर्टिकुलर लेजर को ओपन करते हैं, डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक और लेजर। और यहां से मैंने एक मेरा क्रेडिटर है विजय ट्रेडिंग कंपनी, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं यहां से इसके पूरे साल का डाटा ओके कर देता हूं, यानी कि 31 मार्च 2024 तक का डाटा आ गया। तो अगर हम यहां से इसके क्लोजिंग बैलेंस की बात करें तो क्लोजिंग बैलेंस इसका आ रहा है 57,439 रुपए का, यानी कि ये हमारा पेबल अमाउंट है। तो लेकिन अब जो हमारी सेक्शन 43B जब क्लोज एच है उसके अंदर CA लोग ये देखेंगे कि आपके कौन से इनवॉइस की जो पेमेंट वो 45 दिन से ज्यादा की चल रही है। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो इनवॉइस है, अब ये किस तरीके से देख सकते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप एक बार गो थ्रू कर लेना, लेकिन इसको भी हम इस वीडियो के अंदर इस चीज को भी हम सीखेंगे। अब मान लीजिए ये इनवॉइस है 15,876 रुपए का। अब हमें यहां पर जो इनवॉइस की जो नेट वैल्यू होती है वो यहां पर दिखाई देती है। अब इसके अंदर जितने भी टैक्स है वो इंक्लूड है, जितने भी कोई एक्सपेंसेस है वो भी ऐड होंगे, और इसके अंदर जो गुड्स की वैल्यू है वो भी इंक्लूड है। यानी कि अब यहां से हम वेरीफाई नहीं कर सकते भी इस 15,876 रुपए के अंदर कितना तो टैक्सेबल वैल्यू है, कितना CGST है, कितना SGST है, या फिर IGST है, या कितना एक्सपेंसेस एड है माइनस हुए। एंटर प्रेस करेंगे तो यहां देखोगे तो इस टोटल इनवॉइस यहां आ रही है 15,876 रुपए की, और ये है टैक्सेबल वैल्यू 14,175 रुपए, और ये टैक्स आ रहा है। लेकिन अगर हमारे पास काफी सारे इनवॉइस होंगे तो अब एक एक इनवॉइस को देखेंगे तो काफी सारा टाइम हमारा वेस्ट होता है, इसीलिए हम कॉलमनर का यूज करते हैं। अब कॉलमनर का यूज आप कहां करोगे? अब मान लीजिए आपने पार्टी की स्टेटमेंट ओपन कर लिए तो यही आपको एक साइड के अंदर कॉलमनर का ऑप्शन यहां पर दिखाई देगा, जिसकी शॉर्टकट कमांड है F8। आप चाहो तो इसके ऊपर क्लिक भी करोगे। मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो काफी सारे ऑप्शन यहां पर मेरे पास आ जाएंगे। तो ऑप्शन के अंदर अगर हम बात करें तो यहां आ जाएगा आपका, सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड है वो आपको एंटर करना है, यानी कि इसके अंदर काफी सारे ऑप्शन है क्या आप देखना चाहते हो और क्या नहीं देखना चाहते हो। सबसे पहले जो है कि शो बायर सप्लायर्स नेम, इसको अगर आपको देखना है तो आप यस करोगे। तो वैसे तो पर्टिकुलर हम एक लेजर का यहां पर देख रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको नो रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे डाटा हमारा ज्यादा बड़ा नहीं होगा, फिर भी रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कंपनी पार्टी का नाम मैंने नो कर दिया, वाउचर टाइप मैंने कर दिया, वाउचर का नंबर भी मेरे को रख लेना है, पार्टी का GST नंबर वगैरह आप ये सब कुछ रख लोगे। ठीक है, उसके बाद में शो आइटम वैल्यू, शो लेजर अमाउंट्स विद क्रेडिट एंड डेबिट, इसको हम यस कर देंगे। एक बार हम सीधा इसको एंड ऑफ लिस्ट पर चलते हैं, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहां पे देखोगे लेजर का नाम तो यहां पर आ रहा है, क्योंकि जो जो ऑप्शन हमने यस किए थे वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। पर्टिकुलर हम विजय ट्रेडिंग कंपनी का लेजर देख रहे हैं तो पर्टिकुलर के अंदर उसका नाम भी आ गया, बायर सप्लायर नेम भी अंदर सेम ही आ जाएगा। अब यहां पर आपको ऑप्शन वो सारी दिखाई देंगे वाउचर टाइप के अंदर, कितनी आपकी परचेज है, कितनी आपने
पेमेंट करिए, यहाँ पर उसके वाउचर के नंबर रहेंगे। ये यहां तक हमारा, अब मेन काम हमारा यहां स्टार्ट होता है। अब यहां देखोगे, यहां पर आपको ग्रोस टोटल है जो इसका क्लोजिंग बैलेंस है वो भी आपको यहां शो करेगा 57,439 रुपए का, जो कि हमारा 31 मार्च 2024 का ये पेबल रहेगा। अब यहां पर एक अमाउंट यहां पर आ रही है साइड के अंदर, आप देख सकते हो यहां पर 91,910 रुपए की, ठीक है। अब ये 91,910 रुपए की अमाउंट होने का मतलब क्या क्या, भी ये उस टोटल जो हमारा क्रेडिट साइड का जो टोटल था उसकी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो 91,910 रुपए की है। यहां पर भी आप देख सकते हो 91,910 रुपए की है। आगे वाले जो कॉलम आ रहे हैं वो आपके टैक्सेबल वैल्यू आ रही है, यहां पर भी ऊपर आप देख सकते हो भी इसकी टोटल गुड्स की वैल्यू कितनी है। ये आपकी गुड्स की वैल्यू टोटल शो होगी, यहां पर आपका सेंटर का टैक्स और ये आपका स्टेट का टैक्स। अगर आईजीएसटी होगा तो यहाँ पर आईजीएसटी भी आएगा, क्योंकि अब सेम एक ही लेजर के अंदर दो तीनों चीजें एक साथ इकट्ठी नहीं हो सकती। अगर आपका कोई आईजीएसटी वाला लेजर होगा, यानी कि आउट ऑफ स्टेट की अगर आपका कोई सप्लायर्स होगा, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये सीजीएसटी आईजीएसटी ये शो नहीं करेंगे, फिर आईजीएसटी शो करेगा। यहाँ पर आपको दोनों अमाउंट साथ चलेगी, 16,800 और ये 5,000 रुपए, यानी कि एक अमाउंट क्रेडिट चल रही है, एक डेबिट चल रही है। ये आपका इनवॉइस है। अब इस इनवॉइस की बात करें तो इस इनवॉइस के अंदर सामने आपको ये पता चलेगा कि इस 16,800 रुपए का आपका इनवॉइस है, इसके अंदर जो गुड्स की वैल्यू है वो टैक्सेबल वैल्यू 15,000 है और इसके अंदर ये 900 यानी कि 1,800 रुपए इसका टैक्स है। अगर इन तीनों अमाउंट को हम ऐड करेंगे तो टोटल हमारा 16,800 रुपए की वैल्यू आएगी, यानी कि ये वेरिफिकेशन हो रहा है आपका डेटा का, पूरा एनालिसिस हो रहा है एक एक अमाउंट का। इसके आगे आप देखोगे तो जितने भी आपके कोई और रहेंगे, राउंड ऑफ है, आपने कोई एक्सपेंसेस ऐड कर रखा है, वो सारा पर्टिकुलर आपको यहाँ पर ऐड होते रहेंगे। अब ऐड करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, अब यहाँ पर कुछ अगर आप इसको हम एक बार नो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा टाइप ऑफ कॉलम, फिर टाइप ऑफ कॉलम आपको क्या चाहिए। अब हमारे पास एक ही आइटम है, तो अगर आप सभी आइटमों का लेना चाहो तो ऑल आइटम आ जाएगी। वन कॉलम के अंदर लेना है, लेजर लेना है, कोई ग्रुप लेना है तो ग्रुप का ऑप्शन भी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट किया, अब मान लीजिए मैंने कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरा इसके अंदर एड हुआ हुआ है, तो मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको भी ले लूंगा, क्योंकि उस खर्चे के अंदर साथ दिखेगा। उसके अलावा अगर आप कोई अलग से कोई लेजर सेलेक्ट करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए मैंने कोई सीजीएसटी है, उसके बाद में फिर लेजर, फिर मैंने एजी चला कि पहले ये शो कर रहे थे, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। तो अब इससे क्या होगा, आपके सारे डाटा का एनालिसिस आपका बिल्कुल ये लास्ट के अंदर आ जाएगा। जितने लेजर हमारे ऐड होते रहेंगे वो बिल्कुल लास्ट के अंदर शो करेंगे, टोटल आपके गुड्स की वैल्यू और टोटल आपका टैक्स, ये सभी अमाउंट आपको अलग अलग डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके से हम आप पूरे पर्टिकुलर किसी एक डेटा का एनालिसिस कर सकते हो। अब इसके अंदर आपको ये पता चलेगा भी ये इनवॉइस मेरे को डिसअलाउ करना है, तो इस इनवॉइस के अंदर कितनी तो टैक्सेबल वैल्यू आ रही है और कितना मेरे को टैक्स है, क्योंकि टैक्स है वो आपका इनकम के अंदर ऐड नहीं होगा, केवल जो गुड्स की वैल्यू है, जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके अंदर हमने बुक करी है वही आपका एक्सपेंसेस ये लोग है जो डिसअलाउ करेंगे। क्योंकि काफी सारे अकाउंटेंट लोगों के ये भी कंफ्यूजन था भी नेट वैल्यू वो हमारी इनकम के अंदर ऐड होगी या फिर टैक्सेबल वैल्यू होगी, तो ये फाइनल टैक्सेबल वैल्यू है वो ऐड होगी। वापस हम एक बार करते हैं इसको और वापस F8 कोलमनर को हम यूज करते हैं यहाँ पर, और उसके बाद में एक बार सभी इसी डेटा को एक बार यहाँ से मैं हटा देता हूँ, एंड ऑफ लिस्ट करता हूँ, इसको भी एंड ऑफ लिस्ट करता हूँ। यहाँ से आप अलग अलग अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो। तो इसके अंदर आप एक बार फिर देख सकते हो, यहाँ पर एक बार वेरीफाई कराने के लिए 91,910 रुपए, 5,514 और ये 5,514, यानी कि ये टैक्स की अमाउंट है। इन तीनों का अगर हम टोटल करेंगे और हम एक बार लेजर पे वापस चलते हैं, तो यहाँ देखोगे इसके जो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,02,939 रुपए। तो टैक्सेबल वैल्यू और दोनों टैक्स, अगर दोनों अमाउंट हम ऐड करेंगे तो उन सभी का टोटल इतना आ जाएगा। और ये चीज जो वेरिफिकेशन है ये यहाँ पर देखने के लिए अलग अलग आपको इंटरप्रेस करके कितना टैक्सेबल वैल्यू कितना टैक्स, एक एक बिल आपको देखना पड़ेगा, कॉलमनर से हम पूरी डिटेल को देख सकते हैं। इसी तरीके से आप पर्टिकुलर टोटल जो परचेज है परचेज भी आप देख सकते हो। जैसा कि हम वापस डिस्प्ले पर हम गए, अकाउंट्स बुक पर गए और यहाँ पर हम पर्टिकुलर एक परचेज का जो हमारा रजिस्टर्ड है उसको लेते हैं, परचेज रजिस्टर। तो यहाँ आप देख सकते हो भी टोटल हमारी जो परचेज की वैल्यू है वो 1,70,755 रुपए की आ रही है। हम एंटर प्रेस करेंगे और F2 करके सारे डाटा को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके जो सारे सप्लायर्स रहेंगे, जितने भी क्रेडिट जिनसे आपकी गुड्स परचेज किए वो केवल परचेज वाउचर हमें दिख रहे हैं। अब हमें इसकी डिटेल चाहिए तो आप इसे F8 कोलमनर का यूज कीजिए और उसके बाद में सारी डिटेल्स
सेम उसी तरीके से आपके सामने ये होगी, एंटर एंटर प्रेस करके एंड ऑफ लिस्ट करोगे तो इसका वेरिफिकेशन भी सारा कुछ आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, उस पार्टी का टोटल जीएसटी नंबर वगैरह, ऑर्डर नंबर वगैरह, सारी डिटेल्स लास्ट में आएंगे, तो यहाँ पर भी आपकी टोटल डिटेल्स निकलेगी भी, टोटल कितनी तो आपकी वैल्यू है, कितना आपके गुड्स की वैल्यू है, कितना इसके अंदर टैक्स एड हुआ है, तो टोटल वेरिफिकेशन आपको परचेज के अंदर, इसी तरीके से आपको सेल के अंदर अलग अलग डाटा आपका शो होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आगे इसी टाइप की नई नई वीडियो देखने के लिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।